जगदीप बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, एक क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम दिवाली क्राफ्ट में बम्बू के ऊपर वॉल हैंगिंग बनाने जा रहे हैं। ये वॉल हैंगिंग डायगोनल होगा, करते हैं स्टार्ट। ये बम्बू का टुकड़ा आप देख सकते हैं, ये मोर है, आप देख लीजिए, ये मोर है जो बीड्स की तरह है, और ये बीड्स है, वुडन बीड्स है। ये मैंने धागे में सुई डाली है, इस तरह से मैंने छः इसमें छः किए हैं, छः होल हैं, तो छः मैंने धागे बनाए हैं। तो ये चार धागे मैंने बना कर रखे हैं, दो धागे आपके सामने बनाती हूँ ताकि आपको मेथड पता चल जाए। ये मैंने धागा डाला है सुई के अंदर, इसके नीचे इस तरह एक बेल है, बेल लगा दी है मैंने, सभी में नीचे बेल लगाई है। अब मैंने इसमें एक बीट डाला और एक इस तरह से मोड़ लूंगी, पिकॉक जिसमें के होल है, इसे बीट्स की तरह बनाया गया, इस तरह से मैंने डाल दिया और दो बीट्स इसके ऊपर डालूंगी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर दो बीट्स डाले और आधा इंची छोड़कर, बीट्स के ऊपर आधा इंची जगह छोड़कर मैंने धागे के ऊपर नॉट लगाना है। आप देख सकते हैं ये मैंने आधा इंची जगह छोड़कर इस तरह धागे के ऊपर नॉट लगा दी है। ये नॉट को आपने कसना नहीं है, बस ये हमारी एक पहली लड़ी तैयार हो गई। इस तरह से मैं अभी दूसरी लड़ी भी तैयार करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने धागा डाला है, नीचे बेल लगा दी है, ऊपर एक बीट डाला है, फिर मैं ये मोर इसमें डालूंगी, पिकॉक इसमें होल है, पिकॉक में बीट्स की तरह से बनाया मैंने, डाल दिया। अब मैं इसमें दो बीट्स डालूंगी और आधा इंच की जगह छोड़कर धागे के ऊपर नॉट लगाऊंगी। ये आधा इंच की जगह छोड़कर मैंने धागे के ऊपर नॉट लगाई है। पहले वाले में हमने दो बीट्स डाले थे और एक नॉट लगाई थी, दूसरे वाले में मैं दो बीट्स, दो दो के दो डालूंगी। ये मैंने दो बीट डालकर नॉट लगा दिए, दो बीट्स और डालूंगी फिर से। इस तरह से मैंने दो बीट्स डाल दिए और फिर आधा इंची की जगह छोड़कर एक नॉट लगाऊंगी। इस नॉट को आपने खींचना नहीं है, बस ढीला छोड़ देना, तभी ये सुंदर लगती है। ये देखिए, ये हमारी पहली लड़ी ये तैयार थी, मैंने तैयार की है, दूसरी ये है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से आएगी। तो इस तरह से मैंने सारी लड़ियां तैयार करके रखी हैं। इसमें दो बीट्स हैं, इसमें चार हैं, इसमें छः हैं, इसमें आठ हैं, इसमें दस हैं, इसमें बारह हैं। इस तरह से ये लड़ियां तैयार करी हैं। अब मैं बांस का ये टुकड़ा लेती हूँ, इसके अंदर पहली लड़ी डालती हूँ, इस तरह से किनारे पर लड़ी डालने के बाद मैं इसमें एक बीट डाल दूंगी। ये मैंने एक इसके अंदर बीट डाल दिया और इस सुई को बाहर निकाल दिया। फिर मैंने दूसरी लड़ी ली जिसमें कि 10 मोती हैं, ये मैंने दूसरे में डाली और एक बीट डाल दूंगी इसके अंदर वुडन का। आप दूसरा भी बीट ले सकते हैं, मेरे पास वुडन के हैं तो मैंने वुडन के ही डाले हैं। ये मैंने सुई बाहर निकाल दी। अब मैं तीसरी लड़ी लूंगी जिसमें कि इसमें 12 मोती है, इसमें 10 है, इसमें 8 है। ये मैंने ली लड़ी, अब मैं यहाँ पर एक बीट डाल दूंगी इस तरह से और इस सुई को बाहर निकाल दूंगी। अब मैं ये फोर्थ लड़ी लूंगी, इसे फोर्थ वाले होल में डालूंगी और एक बीट डालूंगी इस तरह से और इसमें से सुई को बाहर निकाल दूंगी। अब मैं नेक्स्ट लूंगी, इसके अंदर मैंने डाला और एक बीट डाला इस तरह से और सुई को बाहर निकाल दिया। फिर मैं लास्ट वाली लूंगी, ये मैंने लिया, इसमें दो बीट्स ही डाले हुए हैं, ये मैंने ऊपर से एक बीट डाला और सुई को बाहर निकाल दिया। बड़ा आसान है, बस आपने सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। अब इसके सारे धागों को आप पकड़ लें इस तरह से, ये सारे धागे आप पकड़ लें इस तरह से और यहाँ पर इसका बैलेंस बनाए। देखिए इस तरह से बैलेंस बनाना है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से लड़ी बनी, कितनी सुंदर बनी है। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। इसमें दो बीट्स हैं, इसमें चार, इसमें छः, इसमें आठ, इसमें दस, इसमें बारह। तो आपने देखा ये कितनी सुंदर लग रही है। इसको आप अगर आपके पास मोर नहीं है तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं। इन सारी लड़ियों को इस तरह से पकड़ें और बैलेंस बनाएं। आपने जितनी ऊंचाई रखनी है उतनी ऊंचाई तक आप धागे को ले सकते हैं इस तरह से। अगर आपने कम रखनी है तो कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ते हुए बैलेंस बनाकर आप यहाँ पर नॉट लगा दें। सारे धागों को पकड़कर नॉट लगानी है अपने इस तरह से। अब देखिए ये पूरी इस तरह से हो जाएगी। अब आपने बाकी के धागे बटे हुए काट देने हैं।
और इन धागों के साथ ये हमारे हार का पिछला हिस्सा है, हार के जो हमारे हार होते हैं हार का बचा हुआ पिछला हिस्सा है, इसको मैं इसके साथ इस तरह से लगाऊंगी और किसी पतले धागे से डीएमसी का पतला धागा मजबूत वाला इसे लेकर मैं इस तरह से इसको पूरा इसको इस कवर कर दूंगी इस धागे से। जैसे हम हार का पिछला हिस्सा करते हैं, हार के धागे बनाते हैं, उसी तरह से हम इसे बनाएंगे, पूरा कवर कर देंगे इसे, पता भी नहीं चलेगा कि आपका वो जो सिरा है वो कहाँ गया। आप इस तरह से इसे पूरा कवर कर दें। पूरा कवर करने के बाद आपने यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से आप पूरा कवर कर दें और ये पतले धागे से बिल्कुल बहुत सुंदर पक्का हो जाता है एकदम। देखिए अब आप ग्लू लगाकर इसे यहाँ कवर कर दें, ये थोड़ी देर में इतना पक्का हो जाएगा, चिपक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। पूरे पर आप ग्लू लगा कर इसे पक्का कर दें इस तरह से। तो ये देखिए आपका बहुत सुंदर हमारा ये तैयार हो गया। आप इसी तरह से बनाएं। अगर आपने इस तरह की शेप में बनाना है डायगनल, तो फिर इस तरह से आप दो बना सकते हैं, एक इस तरफ लगाएं एक इस तरफ लगाएं, या फिर एक भी बना सकते हैं। गुड लक।